भाई बहुत काम है, लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी हैव टू गेट अवर कार क्लीन्ड। भाई बहुत गंदी हुई हुई है गाड़ी। पुराने टायरों पे गाड़ी इतना दूर तो नहीं जाएगी, तो हमें नए टायर भी डलवाने पड़ेंगे गाड़ी में फिर। और जाने से पहले ऑफिस की चीज़ें तो लेके जानी पड़ेंगी, क्योंकि अगर हम चले गए और पीछे से ऑफिस के टिश्यूज और बेसिक सप्लाईज ख़त्म हो गई तो फिर भी मसला हो जाएगा ना, राइट? और हाँ, हम तला भाई की बर्थडे तो भूल ही गए, वो भी तो सेलिब्रेट करनी थी। तुम लोगों ने पहनने ही एक दफा भी नहीं, मुझे नहीं, नहीं ब्रो, ये तो मैं पहनता हूँ, मैं फुल तैयार होके जाता हूँ डेट्स पे, यू नो। ओह माय गॉड, अपनी वाइफ के साथ। ओह माय गॉड, ओके ओके, तुम रख लो फिर, अगर मैं नहीं देखता ये मैं ना आपकी चॉकलेट खाएं वो मैं नहीं करती। देखो रख दी, खिलानी नहीं है, रख दी। खाने में हिम्मत, खाने की हिम्मत है तुम्हारे अंदर? रो, मेरे अंदर बहुत हिम्मत है भाई। हम रस्ते में मुका देंगे आपकी चॉकलेट, सॉरी रस्ते में हम खा लेंगे चॉकलेट, रस्ते में आपको उतार देंगे हम, ठीक है ना? गाड़ी पे ट्रक भी चढ़ के जाना, एक कह रहे हो तुम चॉकलेट की मोहब्बत, ट्रक वाला भी मुझे टॉफी शॉकिंग तो दे देगा। बाय बाय कराची चाचा। तो ऑफिशियली अभी हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है, हमारी एक अफ्तारी थी आज अर्जेंट बेसिस पे, वो हमने की है। फिर उसके बाद हम ऑफिस आए हैं, हमने काम शाम किया है, फिर सामान हमने पहले ही पैक कर लिया था, बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा काम थे, गाड़ी का काम भी करवाना था और हज़ार किस्म के काम थे। फिर हमने सामान जो घर पर थोड़ा बहुत रह गया था वो हमने लेना था, बाकी जो सामान था वो हमने डेवो पे भेज दिया, और अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास लैपटॉप के बैग और छोटा छोटे मोटे कपड़े थे। और अभी हमने एक जगह से बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ लेनी है और बहुत इम्पोर्टेंट, जिसके लिए हम डेढ़ घंटे का डिटोर करेंगे, अभी वो चीज़ लेनी है यानी कि अब लेनी पड़ती है ना, कुछ कह नहीं सकते तो वो लेंगे। फिर उसके बाद खैर अभी भी हम ऑन वे ही हैं, तो उसके बाद भी हम सीधा सीधा टापो टाप होंगे और पूरे रास्ते में आपको अपडेट करेंगे, ऐसे तू कल ना हो। तो बस ऐसे हमारा टूर गुजरेगा इंशाल्लाह, कल रात को हम इस्लामाबाद की वादियों में होंगे। तो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून। सबसे ज़रूरी चीज़ हम लेके जाएँ, हम कराची क्रॉस करके निकल आए हैं ऑन नेशनल हाईवे, सुहरावगढ़ नेशनल हाईवे पे हम पहुंच गए। यहां से अभी हम टोल प्लाजा पे चढ़ेंगे और हैदराबाद, और फिर उससे पहले तसीम भाई को कुछ खिलाएंगे, जब से निकले हैं कह रहे हैं भूख लगी है, भूख लगी सो ज्यादा मजे तो इनके होने हैं इस ट्रिप पे, ना इन्होंने ड्राइविंग करनी है ना कुछ करना है, ये ठीक रहेगी, बस हमारी जुबान बर्दाश्त करनी है और कुछ भी नहीं करना। वो तो अभी से रोने लग गया है, तंग में वो तो अब होगा, अब रोए पिटे जो मर्जी करे, तंग तो होना है इसने। और अफ्तारी के बाद चाय नहीं पीते तो हल्का हल्का सर में दर्द होना शुरू हो गया, तो अभी चाय पियेंगे, कभी पैनाडोल टपेंगे, वी हैव टू फ्यूल अप, फिर चाय पीनी है, कुछ खाने को उठाएंगे जो कि क्विक फूड हो, फास्ट फूड आई मीन, और फिर निकलेंगे बैक टू रोड। यो एससी
उमेश भाई हम कहाँ पे पहुँच गए यार? अभी तो हम ये नेशनल हाईवे पे चढ़े हैं, अभी हम यहाँ से पेट्रोल हमने फुल करवाया है और अभी आगे से KFC लेंगे और उसके बाद फिर हम हैदराबाद जाते हैं। हैदराबाद और वो कितने टाइम पे पहुँचेंगे? हैदराबाद हम यहाँ से लग जाएंगे 2 घंटे। दो घंटे लग जाएंगे। किधर पीछे रह गए? रास्ते में कुछ खा लूंगा अभी मैं, बिल्कुल 2 मिनट ना डील करा रहा हूँ क्रंच वाली। जो दो खा दो एक दो के इंसान है, ये इंसान है। हेलो हेलो हाँ ब्रदर, यार ये 2 मिनट ना डील कर दो क्रंच वाली, ठीक है चला। और बस यही, इसमें क्या क्या है ये बता देना जरा। 2 डील है ना आपकी? हाँ जी। आपके चार बस जी, एक फ्राइज भी कर दो यार, बकेट ऑफ फ्राइज का। पकड़ो पकड़ो। रेडी पड़े यार, लो शुदा दियो भैया, चिमटा रख लेंगे। ये सेकंड बाईपास डिवीजन नवाबशाह, नवाबशाह नवाबशाह आ गया जी। अभी तो इस्लामाबाद बहुत दूर है। हम भाईजान कराची से जा रहे हैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जा रहे हैं। भाईजान चाय ऐसी पिलानी है ना आपने, कड़क। आतिक, तो आप पहली बार रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, वो कैसे लग रहा है? फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद। नहीं मैं, हाँ कराची टू इस्लामाबाद मैं पहली बार जा रहा हूँ रोड ट्रिप पे। तो अभी तक जो हमारा सफ़र है, उमेश भाई जो ड्राइव कर रहे हैं, आई थिंक हमने 4 आवर्स का कवर कर लिया है। और हम कहाँ तक पहुँच गए हैं? नवाबशाह। नवाबशाह तक पहुँच गए हैं। जो रोड्स थी वो अभी जो हैदराबाद से आगे तक आई थिंक वो ख़राब थी, काफ़ी रोड लगे हैं। उमेश भाई इज़ ड्राइविंग रियली गुड। और उसके अलावा थकान अभी तक तो नहीं हुई, अभी तक वी आर फ्रेश, वी आर गुड एज न्यू। लेकिन आगे जाके यू डोंट नो, मैंने गलती से मैप खोल के देख लिया था। डू यू वांट टू गो बैक टू कराची एंड टेक द फ्लाइट टू इस्लामाबाद? वो तो वी हैव टू क्रॉस द होल पाकिस्तान टू गेट टू इस्लामाबाद। तो अभी मुझे रियलाइज हुआ है कि इट्स एक्चुअली प्रीटी फार, बट होपफुली जो है हम पहुंच जाएंगे। बट यू स्टिल हैव द ऑप्शन टू गो बैक टू कराची एंड यू नो टेक द फ्लाइट। नहीं यार, अब तो आगे कमिट कर लिया, अब तो एंड तक जाएंगे। यार
यार मैं इसमें किसी दिन मैं खेतों में शिफ्ट हो जाऊंगा, खेती बाड़ी करूंगा अपनी चार बीवियों के साथ, सोर्सिंग करूंगा, सादा जिंदगी सोर्सिंग करूंगा जी ना, सादा अपनी चार बीवियों के साथ सोर्सिंग। तो सी इफ ये भैंस चुरा ले तो फिर वी विल कॉल यू भैंस चोर। तो हमने पहला टैंक फुल कराया था कराची से बिल्कुल हैदराबाद चढ़ने से पहले, इट वॉज 10,000 का और वो हमारा टैंक चला है अराउंड 460 to 500 किलोमीटर एंड देन फिर हमने सकर मोटरवे चढ़ने से पहले एक टैंक चलाया फुल कराया जिसमें अभी हम 158 किलोमीटर चल चुके हैं एंड लेट्स सी होपफुली ये वाला टैंक जो है हमें ज़्यादा एवरेज देगा क्योंकि हम मोटरवे पे हैं। So guys, we are on the motorway now. सकर तक मैस भाई ने चलाई है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड ड्राइव थी, और उसके बाद जो है सकर से मोटरवे स्टार्ट हो जाती है तो उस पर मैंने टेकअवे कर लिया और फिर हम मुल्तान में थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम मुल्तान से लाहौर वाली मोटरवे पे एंड देन इस्लामाबाद होपफुली इट विल टेक अस 4 अफ्तारी होपफुली हमें हम 17 घंटे में जो है इस्लामाबाद पहुँचेंगे बिफोर अफ्तारी इंशाल्लाह। So far it's going very sleepy. You look shit. Internal or just now? Just now. अभी हम मुल्तान उतर चुके हैं, हमने सकर से मुल्तान 4 घंटों में 400 किलोमीटर पूरा कर लिया और अभी फुल पैक हो चुकी है। दो ड्राइवर डाउन हो चुके हैं, अभी तीसरे ड्राइवर की बारी है। सो पावर टू यू आवर न्यू ड्राइवर।
back guys, we are all charged up again. Color Ghar, हम पहुंच चुके हैं. Salt Range, हम इस तक climb कर रहे हैं और थोड़ी देर में हम Salt Range cross कर जाएंगे. Everyone is almost at their final runs of their battery, but one last charge before Islamabad. Inshallah, within 1.5 watts, we will reach Islamabad. गाड़ी की बस होगी है. He is saying and चला भाई is on the driving seat for the last push and we'll give you some shots of Color Ghar and see you soon. पहुंच चुके हैं. आप लोगों को ग्रीनरी देख के पता चल रहा होगा दैट वी आर नो वी आर नॉट दैट वी आर वेरी फ्रेश एक्चुअली वेरी फ्रेश. अफ्तारी होने में इस वक्त सिर्फ घंटा रह गया है तो हम लोग बस अब चक्री पे रुके थे नमाज पढ़ने के लिए. इसके बाद इस्लामाबाद नेक्स्ट स्टॉप है नेक्स्ट 30 मिनट्स. चलो भाई पहले आतिक भाई को छोड़ेंगे उसके बाद तो मुझे छोड़ेंगे फिर तौसीफ को एंड देन वी विल गो होम एंड वी विल कंक्लूड दिस ट्रिप व्हिच वाज रियली रियली गुड. हमें पता भी नहीं चला 16-17 घंटे में लग गए हैं लेकिन इट वाज रियली गुड एंड वी विल सी यू सून. फिर अपने आप को तो छोड़ ही लेंगे ना. ऑल राइट लेट्स गो गाइस.